तो जो दुकानदार फ़ोन बनाते सीपीयू हीट मार के या रिवॉल्व करके या कुछ करके बना भी लिए, मगर जिसको लाइन का नॉलेज नहीं है, तो ये चीज़ के लिए सीपीयू भी रिवॉल्व कर दिए, सारा चीज़ रिवॉल्व कर दिए, मगर ये चीज़ भूल गए जो है लाइन को चेक करना, फॉल्ट किधर से बन रहा है, फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर जो कमज़ोरी के वजह से ये वाला सेट घूम घूम के आया। ठीक है, तो अब ये इजीली बन गया अपने को, जो डायग्राम के ऊपर फोकस करो, फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर फोकस करो, तो काम बहुत इजीली बनेगा। थैंक यू गाइस। अभी अपने पास है रेडमी K20 मॉडल मोबाइल है, इसके अंदर जो टच नॉट वर्किंग के लिए आया हुआ है, कोई टेक्नीशियन ऑलरेडी इसके अंदर वर्क करा है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर भी कर लिया टच के लिए, सॉफ्टवेयर पे अटक गया ये, ठीक है, फ्लैशिंग करने के बाद, और इसके अंदर चेक करेंगे क्या क्या इशू हो सकता है इसके अंदर। फर्स्ट चेक करेंगे इसके अंदर, बैटरी कनेक्टर रिमूव कर लेंगे और फर्स्ट कर लेंगे कूल टेस्टिंग। तो इसके अंदर डायग्राम ओपन करता हूँ मैं, ताकि जो लाइन्स कौन सा है कनेक्टर के अंदर। ओके, अभी देखेंगे पहले लेआउट के अंदर डिस्प्ले कनेक्टर और टच कहाँ कनेक्टेड है। J6401 है इसके अंदर, जो डिस्प्ले के लिए कनेक्टर दिया हुआ है, और इसका टच का भी कनेक्शन इसी के अंदर है, J6401। ओपन करेंगे J6401। ये आ गया J6401, और इसको जूम कर लेंगे। ये पूरा TDP2 LCM LCM MIPA के लाइन्स है, ठीक है, और यहाँ कनेक्टिविटी है TPTA INTN TPI INTN TPI2C सीरियल डाटा क्लॉक का लाइन, डिसेट का लाइन, LCD ID डिक्टेशन का लाइन, 1 2 3 4 लाइन अपने को, 1 2 3 4 लाइंस, 4 लाइंस होना है। और यहाँ से पूरा देखेंगे नंबर 1 पिन कौन सा है, ये 1 पिन में 6405 एक कैप लगा हुआ है, और साथ में C6415 एक कैप लगा हुआ है। ऊपर जाएंगे देखेंगे TP_3.3, ये 3.3 वोल्टेज का एक लाइन है जो टच के लिए आता है, VREG वोल्टेज, और इसके ये वाला लाइन्स के ऊपर सारा कूल टेस्ट एंड हार्ट टेस्ट कर लेंगे पहले। ओके, देखेंगे बोर्ड के अंदर, यहाँ देखेंगे फर्स्ट वाला पॉइंट के ऊपर ये अभी ओके है, सेकंड जो है NCA नॉट कनेक्टेड पॉइंट, उसके बाद का पॉइंट 477, उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट 547, उसके 698, उसका नेक्स्ट वाला 701। ठीक है, अपने को होने का कितना लाइन्स है एक्चुअली, जो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक होना है अपने को, यहाँ तक कनेक्टिविटी होना है इसका, चारों का 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सबकी कूल टेस्ट का तो रीडिंग ओके है। अभी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब उसके बाद चेक कर लेंगे फ़ोन को ऑन करके, ठीक है, अभी फ़ोन अपना ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसके अंदर जो टच के लिए जो वोल्टेजेस बनते हैं वो वाला वोल्टेजेस चेक कर लेंगे,
ये फर्स्ट वाला लाइन है, इसके अंदर बनता है तुम्हारे को 3.3 का वोल्टेज। यहाँ जो वोल्टेज बनता है टीपी 3.3 का वोल्टेज है। और नेक्स्ट वाला टीपी टीए आईएनटी लाइन है, ये तो टच कनेक्ट होने के बाद बनता है। सारा वोल्टेज आने के बाद टीपी आईएनटी का भी वोल्टेज एक 1.8 का, और इसका भी 1.8 का, यहाँ भी 1.8 का, ये तो ये भी 1.8 का रिसेट की लाइन है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स, ये 5 लाइन्स के ऊपर वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। और ये 3.3 का वोल्टेजेस, ये सारा वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। हाँ, एक नंबर पिन से। हाँ, फर्स्ट यहाँ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बैटरी कनेक्टर रहने देना और फ़ोन ऑन में ही रहना। जस्ट मैं डिस्प्ले की कनेक्टिविटी निकाल दे रहा हूँ इधर से। यहाँ जो चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ चेक कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, यहाँ तो 3.3 की वोल्टेज आना है। ठीक है, यहाँ तो वोल्टेज नहीं बना रहा है, ये तो एनसी पॉइंट ही है। उसके बाद वाले पे चेक करेंगे, जो थर्ड वाले पे, इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। इस पर भी चेक 1.7 आ रहा है। उसके नेक्स्ट वाले पे भी 1.7 है, उसका नेक्स्ट वाले पे भी 1.7 है, उसके नेक्स्ट वाले पे भी 1.8 की वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सारा वोल्टेजेस मिल गए। एक 3.3 का वोल्टेज मिस है और एक थर्ड वाला पॉइंट पे एक वोल्टेज मिस है। ये वाला वोल्टेज जो है आईएनटी एन का लाइन है। ये वाला लाइन बनता है जब टच पूरा कनेक्ट होने के बाद। ओके, अभी 3.3 वोल्टेज जो नहीं आ रहा, फोकस उस पर करेंगे, चेक करेंगे वो वाला लाइन किधर से आ रहा। टीपी 3.3 की वोल्टेज यहाँ सेलेक्ट कर लिए और इसको नेक्स्ट कर लिए। तो यहाँ बना रहा है VREG BOB TP EN। ओके, एक LDO से आ रहा है U6402। ठीक है, यहाँ डालेंगे U6402। ओके, नेक्स्ट करेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, ये एक LDO लगा हुआ है। किधर है ये? CPU के अगल बगल में टचअप है। या जो CPU है इसके नीचे जो लेफ्ट साइड में EMMC के बगल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे एक बार मदरबोर्ड के अंदर। यहाँ जो ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट LDO का प्लेस ये है। यहाँ LDO लगा हुआ है, मगर LDO देखने से ही लग रहा है ये डैमेज हो गया। ठीक है, ठीक है, ये जो LDO है अपना U6402, ये वाला LDO के अंदर एक लाइन के अंदर आ रहा है तुम्हारे को जो सप्लाई टीपी VREG बॉब, एक आ रहा है टीपी 3.3 EN, और वोल्टेज आउट ये भी आ रहा है तुम्हारे को 3.3। ठीक है, A1 VIN है। A1 के ऊपर कोई पॉइंट कनेक्टेड है क्या? बस इसको निकाल देता हूँ बाहर। लेक्स का एक LDO है।
यहाँ जो दिख रहा है एक लिव है, एक हल्का से डैमेज में है, ठीक है, दिख रहा है इधर हल्का से डैमेज में है। और इसको रिवर्स करके भी देखेंगे एक बार, ठीक है, साइड में दिख रहा है डैमेज हुआ सो है, ठीक है। तो अभी ये वाला एलडीओ के पॉइंट्स के अंदर अभी ये चार लाइन में चेक कर लेंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट जो है जो वी आर ई जी बी ओ बी लाइन है, ठीक है, ये वाला है, इसके ऊपर चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 3.60 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ठीक है, 3.60 ए हो गया। और उसका नेक्स्ट वाले पे चेक करेंगे, इसके ऊपर आ रहा है अपने को जो 1.8 की लाइन ई एन की सप्लाई मिल रहा है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करेंगे, ये तो आउटपुट की लाइन है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। ये कॉमनली एक चीज़ जो है अपने को ग्राउंड आया था, ठीक है। तो इसके अंदर जो आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसके अंदर जो एलडीओ लगाने के बाद जो आ जाता है, ये 1.8 इसको एनेबल करने के लिए आ रहा है, ये तो वीसीसी नॉर्मली बना रहा है, ठीक है। अब इसके जगह एक एलडीओ को डाल के चेक करेंगे अपना 3.3 वोल्टेज बनाता है या नहीं। बोर्ड खाए बोर्ड, ठीक है। अभी अपने पास दूसरा बोर्ड लेंगे ये मॉडल के अंदर, यह जो दिख रहा है। अब इसको एलडीओ को चेंज कर लेंगे, yeah।
ठीक है, 3.0 का वोल्टेज अब बन चुका है, ठीक है, दिख रहा है। अब आपको पिन के ऊपर भी बताता हूँ मैं, डिस्प्ले निकाल के, जो अपना एक नंबर का जो पिन था ये वाला पिन के ऊपर, ठीक है, दिख रहा है। ओके, अभी चेक कर लेंगे टच, टच वर्क करता है या नहीं, ठीक है। अभी अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, इसका टच वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। ओके,